नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर वन फ्रॉम द बुक GoPro, जिसको लिखा है एरिक वॉरी साहब ने। और GoPro बताता है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के 7 स्टेप्स। ठीक है, तो चैप्टर वन, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो बेटर है और डे बाई डे बेटर होता जा रहा है। अब अगर आप अपने काम में बेचैनी फील कर रहे हो या आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, आप जितना मर्जी काम कर लो और अगर आपको ये फील हो रहा है या ये प्रश्न आ रहा है कि भाई कोई और बेटर तरीका है काम करने का और जीवन को अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का, तो उसका जवाब है हाँ, अच्छा और बेटर एक वे है जो अनफॉर्चुनेटली हमको स्कूलों में या कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज़ में या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। अब एरिक वॉरी साहब कहते हैं कि मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और उनको मैंने आज तक मेरे एक्सपीरियंसेस में मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई कोई ऐसा काम या ऐसी चीज़ या ऐसा कोई बिजनेस बताओ जिसको हम एक परफेक्ट करियर लिस्ट बता सकें या बना सकें। तो लोग शुरू करते हैं जो उनको नहीं चाहिए। उनको क्या नहीं चाहिए उनके करियर में? बॉस नहीं चाहिए, कहीं आना जाना ना पड़े कि भाई मुझे ट्रैवल ना करना पड़े, कोई अलार्म क्लॉक ना हो कि भाई मुझे सुबह उठा गाड़ी पकड़ के भागना है, इस टाइम पे पहुंचना है, क्लॉक इन क्लॉक आउट करना है, कोई एम्प्लॉई ना हो बिजनेस में या कंपनी में या करियर में, कोई टाइप की पॉलिटिक्स ना हो, कोई टाइप के कॉम्प्रोमाइजेज ना हो, कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई टाइप की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग बताते हैं। अब हम आते हैं पॉजिटिव पे कि लोग क्या चाहते हैं कि एक परफेक्ट करियर लिस्ट में क्या होना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि पॉजिटिव्स होने चाहिए, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हों वो बहुत बढ़िया होने चाहिए, इनकम जो हो उसकी कोई लिमिट ना हो, पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, रेसिडुअल इनकम हो, जैसे कि भाई मैंने काम अगर एक बार किया या मैं थोड़ा काम करूं पर मुझे पैसा रेगुलरली आता रहे, ये नहीं कि मैं जब काम करूं तभी मुझे पैसा आए, ऐसा नहीं। फिर जिन जिन लोगों से मैं काम करूं या जो लोग मुझसे या मेरे साथ काम करें उनके साथ मज़ा आए, उनको भी मज़ा आए, ठीक है। बाद में कहते हैं कि मेरे टाइम फ्रीडम होना चाहिए कि भाई मैं टाइम की, समय की कोई बंदिश नहीं हो, मैं जब चाहूँ मर्जी काम करूँ ना करूँ, इस तरीके का टाइम फ्रीडम चाहिए। फिर मैं जो करूँ वो मीनिंगफुल हो, उसका कोई मतलब हो, उसका कोई एक रेलेवेंस हो, इम्पोर्टेंस हो। फिर कहते हैं कि मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए काम के साथ में, पैसों के साथ में। फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम होना चाहिए और मेरे जो काम का है या मेरा प्रोडक्ट है या मेरा सर्विसेज जो है वो किसी मूल्य एक कारण का, कोई वर्थी कॉज हो, वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करे, हेल्प करे, कोई मीनिंग लाए उस काम से। फिर रिस्क नहीं होना चाहिए, बहुत कम रिस्क होना चाहिए। फिर जो भी मैं काम करूं, करियर बनाऊं या कोई बिजनेस शुरू करूं या कोई, तो उसकी जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो बहुत कम होनी चाहिए, ना के बराबर। फिर मैं जो भी काम करूं, मैं जो भी धंधा करूं वो इकोनॉमी के प्रूफ हो, मतलब इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम सही चल रहा है, डजंट मैटर। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, इकोनॉमी कोई सी भी हो, वेदर कंडीशंस कोई सी भी हो, मेरा काम चलता रहे। फिर मैं जो काम करूँ उससे मुझे टैक्स के बेनिफिट भी मिलने चाहिए, ठीक है। मैं काम भी करूँ, मेहनत भी करूँ, पैसे भी कमाऊँ और फिर सारा टैक्स भी भर दूँ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अरेंजमेंट, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग भी हो। और सबसे ज़्यादा, सबसे महत्व की बात यह है कि मुझे मज़ा आना चाहिए, या हम सबको जो भी हम साथ मिल करके काम करें उन सबको ये काम करते हुए मज़ा आना चाहिए। अब हमने अभी तक देखा कि क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है। ये एक विशलिस्ट लोगों से पूछ के बनाई गई है। अब हम ये जो विशलिस्ट है इसको हम कोशिश करते हैं कि
जो दुनिया में आज के तारीख में काम हो रहे हैं वो किस तरीके के काम हो रहे हैं। तो ये पांच कैटेगरी में काम होता है। एक होता है ब्लू कॉलर, मतलब मजदूरी दिहाड़ी वाला जो काम। एक होता है वाइट कॉलर, जो बंदे ऑफिस में बैठ करके करते हैं। तीसरा है सेल्स, यानी बिक्री, यानी बेचना। चौथा है ट्रेडिशनल बिजनेस ओनरशिप, मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे दुकानदारी हो गई, जैसे एक छोटी सी फैक्ट्री हो गई, वर्कशॉप हो गया, मकानिक गराज हो गया, जैसे एक छोटी क्लिनिक हो गया, आपका मेडिकल एक सेटअप हो गया, पार्लर हो गया आपका, जो एक छोटा सेटअप जहाँ पे आप हो, एक दो तीन जन हो जो आपके साथ काम कर रहे हो वो। और पांचवी जो चीज़ है वो है इन्वेस्टिंग, जब आप आपके पैसे, आपकी मुद्रा जो है वो कहीं इन्वेस्ट करते हो और उससे जो रिटर्न आता है वो आपकी आमदनी। तो इस तरीके से ये पांच लहजे में, पांच तरीकों में काम होता है। अब ब्लू कॉलर करियर जो है वो क्या है? ब्लू कॉलर करियर वो होता है जहाँ पे बंदा मजदूरी कर रहा है, मजदूर है, जो फिजिकल काम करता है। अब वो सड़क पे काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, दुकानों में काम करेगा, वेयरहाउसेज में काम करेगा, जो फिजिकल खुद की मेहनत से काम कर रहा है। अगर वो है और वो काम कर रहा है तो काम हो रहा है, अगर वो नहीं है तो वो काम कोई और कर रहा है, वो फिर काम पे नहीं है तो बैठा, आइडल बैठा है, या घर पे बैठा है, या बीमार है, या पर ही और शी इज नॉट अर्निंग, वो पैसा नहीं कमा रहे। तो अब ये काम जो है कि ये काम जो पहले हमने पूरी जो विश लिस्ट देखी कि क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ये काम उस लिस्ट को सेटिस्फाई करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आता है। तो वो परफेक्ट करियर हुआ नहीं, मजदूरी दिहाड़ी करना वो परफेक्ट करियर हुआ नहीं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वाइट कॉलर करियर। वाइट कॉलर करियर होता है जो प्रोफेशनल काम करते हैं, मैनेजरियल काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, वो फिजिकल लेबर नहीं करते, वो मजदूरी दिहाड़ी नहीं करते, वो थोड़ा सा दिमाग वाला काम करते हैं। ठीक है, अब दिमाग वाले काम में वो कंप्यूटर पे बैठे हैं, कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, बट अगेन उनका इस काम में बने हुए रहना ज़रूरी है। अगर मान लो मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ और मैं उस दिन काम पे नहीं गया तो मेरी एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी। अगर मैं एक क्लिनिक चलाता हूँ और अगर मैंने उस क्लिनिक को एक दिन नहीं खोला, उस दिन मेरे पेशेंट्स जो हैं वो मुझे ना मिले, तो उस दिन मेरी इनकम नहीं बनी। अगर मैं दुकान चला रहा हूँ, मैंने दुकान का शटर खोला ही नहीं, तो मेरे धंधा हुआ नहीं, मेरा कस्टमर मेरी दुकान छोड़ के कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसे तो वो सामान चाहिए, वो रुक नहीं सकता मेरी दुकान खुलने तक। तो अब हम आते हैं कि जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं अचीवर, जो अचीव करते हैं, जो हासिल करते हैं, और एक होते हैं हाइडर, जो छुपते हैं कंप्यूटर के पीछे, अपने डेस्कों के पीछे। अब अचीवर लोग जो होते हैं उनमें वो गूदा होता है कि वो अपनी मेहनत से काम करके आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको वो खटकने लगता है, उनको वो डर लगने लगता है कि भाई ये तो हमसे आगे निकल जाएगा। उसका जो खुद का बॉस होता है उसको डर लगने लगता है कि भैया ये आगे बढ़ा तो मेरी कुर्सी तो हिल जाएगी। तो फिर वो पॉलिटिकल माहौल शुरू होता है और वो शिकार बनना शुरू हो जाता है, लोग पॉलिटिकली खेलना शुरू करते हैं उससे, कहीं ना कहीं यहाँ तक घातक हो सकता है कि शायद नौकरी भी चली जाए। दूसरे जो होते हैं वो है हाइडर्स, वो अपने डेस्क के पीछे, कंप्यूटर के पीछे छुपे हुए रहते हैं, जितना काम बताया जाए उतना करते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते नहीं, वो बस सर्वाइव करते हैं छुपते छुपाते। अब ये जो है वाइट कॉलर का जॉब, वाइट कॉलर की प्रोफेशन या काम, क्या ये वो परफेक्ट करियर लिस्ट में सब कुछ अचीव कराती है? नहीं, 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 बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाइट कॉलर जॉब जो है ये भी उस लिस्ट में पूरा अगर नहीं देती जवाब तो ये भी परफेक्ट करियर नहीं है। अब हम आते हैं सेल्स पे। सेल्स के बंदे जो होते हैं, भले अगर वो एम्प्लॉई हो या कमीशन बेसिस हो, वो एक आज़ाद पंछी की तरह होते हैं और वो काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी इन अ वे स्मार्ट होते हैं। वो अपना काम
अपने तरीके से करते हैं और उनमें एक खासियत ये हो जाती है कि वो सेल्स की दुनिया में किसी भी चीज़ को टच करें तो वो सोना बन जाती है। पर होता क्या है कि जैसे जैसे सेल्स करते हैं वो अपनी मस्ती धुनी में रहते हैं, वो किसी की वैसे सुनते हैं नहीं, तो जैसे पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी सी ले ली, पार्टियां हो रही हैं, नए कपड़े हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप टूर हो रहा है। पर अब इसमें एक ये बात है कि अगर अगेन वो काम नहीं कर रहा, वो नहीं बेच रहा, छुट्टी मना रहा है, तो उतना टाइम उसकी इनकम नहीं हुई। दूसरा, जैसे खर्चे बढ़ गए तो वो प्रेशर बढ़ता है कि अभी अब मैं और कमाऊँ। तो जब प्रेशर शुरू होता है तो उसकी जो एक शार्पनेस थी, जो एक परफॉर्मेंस का एक लेवल था, वो गिरना शुरू हो जाता है। और जैसे गिरना शुरू होता है, कारण और भी उसमें साथ हो जाते हैं कि भाई कंपनी अगर उसकी जियोग्राफी चेंज कर दे, कंपनी अगर उसकी कमीशन रेट जो है वो चेंज कर दे, कंपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग चेंज कर दे, कंपनी मार्केटिंग का हिसाब किताब चेंज कर दे जो उसके कंट्रोल के बाहर है, तो वो उसके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है। और जैसे ही इम्पैक्ट करता है, उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, उसकी सेल्स कम होती है, उसकी इनकम कम होती है, तो ये जो खर्चे, हाथी टाइप के खर्चे जो पाल के रखे हैं, वो उसको फिर भारी लगने लगते हैं। तो फिर कहानी वही आ जाती है कि ये जो सेल्स का करियर है, क्या ये भी परफेक्ट करियर लिस्ट में आता है? नहीं, ये भी नहीं आता है। उसके बाद हम आते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग ये कहते हैं कि आप काम तो खुद के लिए कर रहे हो, पर इन अ वे आपने अपने लिए एक जॉब खरीद ली है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पूंजी होती है या दूसरों से जो पैसे लिए होते हैं उससे वो धंधा शुरू करते हैं, ठीक है। फिर जैसे दुकान भाड़े पे ली, क्लिनिक भाड़े पे लिया, या बैंक से छोटी मोटी लोन उठाई, तो वो लॉन्ग टर्म लीज होती हैं, रेंटल अग्रीमेंट होता है या बैंक की में गारंटी दी जाती है। उसके बाद जो बिज़नेस वो करते हैं, तो बिज़नेस के साथ साथ उन्होंने कई और फंक्शंस पे ध्यान देना होता है। वो जैसे सेल्स हो गया, जैसे बुक कीपिंग हो गई, कोई लीगल मैटर हो गया, कोई जो उन्होंने आदमी रखे होते हैं अपने साथ में, उन आदमियों के नखरे सहने होते हैं, उनकी छुट्टी हो गई तो इनको डबल काम करना पड़ता है, 1708 जंजाल पालने वाले हिसाब किताब होते हैं। उसके बाद आप इतना सब करके भी आपको वो धंधा सेटअप करने में 3 से 4 से 5 साल लगते हैं, और जो पैसा आपने लगाया है, जो मेहनत आपने करी है, अब वो जो रिटर्न देना शुरू करेगी वो 4th, 5th, 6th साल में शुरू करेगी। बट हुआ ये कि आपने 3 साल डाले और उसके जतन में आपने अपना टाइम भी उसमें पूरा झोंक दिया। अब आप वो दुकानदारी, वो क्लिनिक, वो पार्लर आपका कह लो या वर्कशॉप कह लो, आप निकल नहीं सकते अगर आप दुकान पे नहीं गए और आदमियों के भरोसे आपने दुकान छोड़ी, या अगर आप प्रोफेशनल हो, मेडिकल, जैसे मेडिकल प्रोफेशनल हो और आप नहीं हो तो आपकी जो असिस्टेंट है या आपका जो सपोर्ट स्टाफ है वो आपके जैसी स्पेशलिटी सर्विसेज या एडवाइसेज आपके क्लाइंट को नहीं दे सकेगा। तो अगेन क्या हुआ, आप बंद गए, आप अपने ही बिजनेस में बंद गए, आप लॉकअप हो गए। तो ये जो बिजनेस है आपका, जो आप खुद से चलाते हो, ये अगेन उस परफेक्ट करियर लिस्ट में सारी चीज़ों को टिक करता है? नहीं करता। और जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं करता। पांचवी चीज पे हम आते हैं, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर माने उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। अब चूंकि उसके पास खुद का पैसा है और उसको इन्वेस्ट करके ही उसके रिटर्न से आमदनी करके अपना जीवन भी चलाना है और उसको फिर से पैसा रीइन्वेस्ट करना है। अब वो पैसा जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप अपना पैसा किसी और के बिजनेस में लगा रहे हो, आप किसी और की चीज़ में लगा रहे हो, और वो बिजनेस अगला बंदा या बंदे या टीम जो है वो कैसे चलाएगी आपका, उसके ऊपर कोई ज़्यादा से या कंट्रोल नहीं होता है। आपने रियल एस्टेट की, अब वो रियल एस्टेट
में पैसा लॉक हो गया, वो रेंटल पे चढ़ी नहीं चढ़ी, उसके दाम बढ़े नहीं बढ़े, अब जब आप बेचने जाओगे तब कोई ख़रीदार मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी जो जंजाल है, आपके पैसे लॉक हो गए, आप अटक गए, आपके पैसे लॉक हो गए, आप अटक गए, फिर आप क्या करोगे? आप खुद तो काम नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट से ही रिटर्न पे जी रहे हो, तो इसमें भी काफ़ी बहुत बड़ा रिस्क है कि आप अपने हार्ड वर्क से, अपने मेहनत पसीने से कमा हुआ पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पैसों पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो अगेन, ये जो इन्वेस्टर क्लास जो है, डज इट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टिक्स ऑन द परफेक्ट करियर लिस्ट? नो, नहीं, नो नो नो। अब हम आते हैं ये पांच के आगे। जैसे आजकल अगर आप देखो तो डिजिटल एरा जो है, ऑटोमेशन जो है, डिजिटाइजेशन जो है, वो बढ़ता जा रहा है। नई इकोनॉमी में जो जॉब्स थी, जो आज से 20 साल 30 साल पहले जॉब्स थी, वो आज नहीं है, और आज जो जॉब्स हैं वो आने वाले 20-30 सालों में नहीं होंगी। मशीन्स विल रिप्लेस ह्यूमंस। कंप्यूटर ने, मोबाइल ने कितने सारे काम ले लिए, ठीक है? तो ऑटोमेशन से आपका जो काम है, वो जो रूटीन है, जो मैनुअल काम है, जो रिपीटेटिव काम है, वो मशीन्स लेते जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लाइफ है, जीनी पड़ेगी, फैमिली है, बच्चों को बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, उनके खर्चे बढ़ते जाएंगे, तब आप क्या करोगे? और जो इकोनॉमी आने वाले दिनों में इकोनॉमी है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगी कि भाई आपकी जो सर्विसेज हैं, फिर आप चाहे क्लीनर हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप कुकिंग कराते हो, चाहे आप कोई सा भी काम आप करते हो खुद से, अगर तो भाई आपकी इतनी परफॉर्मेंस होगी और ये आपका रिवॉर्ड होगा। अगर आपको काम चाहिए, हाँ बोलिए, वरना देयर इज समबडी एल्स इन द क्यू टू टेक अप द वर्क। तो अगेन क्या होगा कि आप परफॉर्म करो, आपको पैसे मिले, ख़त्म कहानी। वो जो टाइम बेसिस पे है कि जी मैं पूरे दिन जॉब करे आया 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे और मेरे को टाइम के बेसिस पे पैसे मिलेंगे, वो जो कल्चर है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे वाइप आउट होते जा रहा है। कान खोल के ध्यान से सुन लो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एरिक वरी साहब ने भी कहा है और ये सच है कि टाइम के बेसिस पे, कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ और 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे मैंने काम कर लिया, अब मेरी तनख्वाह, मेरा वेतन बन गया, ये चीज़ें निकलती जा रही हैं। कृपया इस भ्रम में ना जिए कि भाई मेरे जॉब लग गई, अब तो मैं रिटायर होऊंगा, ये चीज़ नहीं चलती। दैट इज़ ऑल गॉन, इट्स गोइंग फास्टर। सो आंखें खोलिए, मन को खोलिए और आसपास नज़र घुमाइए, इसी तरीके के वीडियोस देखें, सुने, ताकि आप आने वाले कल के लिए आज से प्रिपेयर करना शुरू कर दें काम, ठीक है? अब हम चलते हैं इन सारे बैकग्राउंड से कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बेटर क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग बेटर इसके लिए है कि जो कंपनी कॉर्पोरेशन है जिसके आप टीम मेंबर बनते हो, उस कंपनी ने अपना पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है। अगर वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सर्विसेज में अगर है तो वो सर्विसेज का एक प्रॉपर टाइप होता है। अब आपका हमारा काम होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में उस कंपनी के साथ जुड़ें और उस कंपनी के बेचे हुए या मार्केट किए हुए प्रोडक्ट्स जो हैं, वो मार्केट किए हुए मतलब मार्केटिंग अपने टीम मेंबरों से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, बाहर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर से मार्केट जो कराते हैं, उसको हम आगे ले जाएं और अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को हम साथ में जोड़ें। तो इसमें टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, इनकम आपकी कमीशन बेसिस पे होती है, तो इनकम की कोई कमी नहीं है। आप जितने चाहे बंदे जोड़ो, जितने चाहे बंदों को आप मिलो, जितने चाहे बंदों को आप अक्रॉस द ज्योग्राफीज, ठीक है, आप कोई एक जगह पे नहीं रुके हो, आप एक कंट्री में रह के जहाँ जहाँ उस कंपनी की प्रेजेंस है, वहाँ वहाँ पे आप अपनी टीम बढ़ा सकते हो, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। प्लस उस कंपनी में, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में आप जब यूज़ करोगे तो आपकी लाइफ इंप्रूव होना शुरू होगी, आप
आपकी लाइफ बेटर होना शुरू होगी। तो आप खुद लीड बाय एग्जांपल का एक केस बनोगे, और जब आप लोगों को कहोगे कि भाई जो मैं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये चेंज आया है, मेरी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट आया है और आ रहा है, तो ये आपकी लाइफ में भी चेंज ला सकता है। और नॉट ओनली दैट, वो आपको एक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगेन कमिंग बैक टू डिजिटल एरा, आपको फिजिकली ना जाते हुए आप इंटरनेट के थ्रू भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी ये वीडियो मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया बैठे बनाया हूँ, पर आप इसको इंडिया में सुन रहे हो, या आपको आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपको हिंदी आ रही है तो यू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द इंटरनेट, थ्रू यूट्यूब। तो इस तरीके से आप और मैं और आप और आपके दूसरे जानने वाले नहीं जानने वाले आप लोगों तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि आपको आपकी ग्रोथ होती है, आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको एक ग्रुप ऐसा मिलता है जो यही सोच लेके चल रहा है, जो खुद आगे बढ़ रहा है और आपको भी आगे ले जा रहा है। अब इसके जो करने के, नेटवर्क मार्केटिंग करने की थोड़ी सी जो एक नेगेटिविटी है टेम्पररी, वो ये है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको समझेंगे कि भाई ये तो पगला गया है, ये कर क्या रहा है, क्योंकि वो पुरानी माइंडसेट, पुरानी संस्कृति, पुराना एक कल्चरल बैकग्राउंड में जी रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। और हमेशा ये होता है कि अगर कोई बंदा नई चीज़ कर रहा है जो उस चीज बंदे को दिख गया हो और वो कर रहा है, तो आसपास के लोग जिनको नहीं दिखा है वो यही समझते हैं कि ये बंदा जो है ये पगला गया है, ये सटिया गया है। बट धीरे धीरे जब उनको वो समझ आएगी तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू जो है वो काफ़ी काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आपके बारे में सोचना है, और आपको आपका फ्यूचर जो है, आपके जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करते हुए आपकी जो एक विजुअलाइजेशन है वो आपको दिखनी चाहिए। आपके लिए मैं नहीं देख सकता, अगर मैं देख सकता हूँ और अगर मैं आपको बताऊँ तो शायद आपको तब समझ में ना आए, बट प्राइमरीली वो आपको देखनी है। और वो दिखी आपको तो उसके ऊपर आपने एक्शन करना है, उसके ऊपर आपने प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर आपने डिसीजंस लेने हैं, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी, स्किल्स अचीव करनी है। पर करना आपको है, आपको सपोर्ट मिलेगा, टीम से मिलेगा, कंपनी से मिलेगा, ट्रेनिंग मटेरियल्स मिलेंगे, इस तरीके के वीडियोज मिलेंगे, पर करना आपको है, ठीक है। और ये गारंटीड है, ये सच है, जिन जिन्होंने कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, एक जिद से, एक मेहनत से, रेगुलरली टाइम दिया है, वो लोग इसमें काफ़ी आगे बढ़े हैं, उनकी सोच, कल्पना, विचार शक्ति के बाहर, ठीक है। अब इसमें ये नॉलेज और एक ज्ञान बढ़ाने वाली बातें हैं अपने बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, लाइफ के बारे में, नेटवर्क के बारे में और अपनी ग्रोथ के बारे में। अगर जस्ट 2 सेकंड सोचो आपके, अगर आप जो करोड़पति लोग हैं, जो लखपति लोग हैं, उनके सर्कल में हो, उनके ग्रुप में हो, तो उनकी क्या बातें होती हैं, उनकी क्या सोच होती है, तो आपकी भी वैसी सोच शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो नीचे के लेवल पे आप अगर सोचो कि अगर आप स्लम में जो रहते हैं, जो झोपड़ों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनके साथ रहना शुरू करोगे तो उनकी सोच क्या होगी, वो ये सोच का एक फर्क है, ठीक है। तो आपने अपने आप को अपने स्तर से उठाना है, ऊपर उठाना है बाय ऑल मीन्स। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये आपकी बात है, ये आपके पर्सनालिटी की बात है, ये आपके विचारों की बात है, ये आपके वैल्यूज की बात है, ये आपके धैर्य की बात है, ये आपके ग्रोथ की बात है, ये आपके परिवार के ग्रोथ की बात है, ये आपके और आपके परिवार को जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल करने की बात है, उनको अचीव करने की बात है, उनको अचीव करके एक ग्रोथ कराने की बात है, आपके जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एक लेगेसी बनाने की बात है। आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप नहीं करोगे तो आमदनी नहीं आएगी। अगर आप ही के कर ना करने से आमदनी नहीं आ रही है तो आप अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे,
आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो आपके जॉब का ही कोई ठिकाना नहीं है, तो आप अपने बच्चों को क्या वही जॉब कैसे दिलाओगे, क्या करोगे? तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बेटर है, वो इम्प्रूव होती जा रही है, वो ग्रो होती जा रही है ग्लोबली, और दिन ब दिन काफ़ी ग्रो होती जा रही है। तो मैं इसी वीडियो से, इसी माध्यम से आप में एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दीजिए और कमेंट करिए कि आपको आपके प्रश्न क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। कोई चीज़ अगर नहीं पसंद आई हो, या मैं कुछ और इम्प्रूव करके करूं, या बेटर करके करूं, या कवर करके करूं, तो प्लीज़ लिखिए नीचे कमेंट में। आई विल बी रीडिंग इट, रिस्पॉन्डिंग इट टू इट, एंड वुड बी वर्किंग ऑन इट टू मेक द वीडियोज मोर बेटर, एंड आई कैन रीच आउट टू एज मैनी पीपल एज आई कैन, जो लाइक माइंडेड लोग हैं उन तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जब मैं बनाऊं तो वो आप तक सीधे सीधे पहुंच जाए। तो इसी के साथ आप अच्छे बने रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, परिवार में खुशी बनी रहे, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।